अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसिल मुहिम समाजी कौंसिल की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर मौजूद है और आज का ये जो दिन है योम सियाह के तौर पर हम मना रहे हैं, ब्लैक डे के हवाले से हम मना रहे हैं योम सियाह और ब्लैक डे, इसलिए कि उन मासूम बच्चों पर जिस तरह दहशतगर्दी और नाक दहशतगर्दी के जरिए उनको शहीद किया गया था, वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, वो हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूले हैं ना भूलेंगे और ना भूल सकते हैं। अगर फलस्तीन अपने हक की बात करे तो वो दहशतगर्द है और इसराइल अगर बम बरसाए तो वो अमन पसंद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दहशतगर्द दहशतगर्द है और दहशतगर्दी की हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। जैसा कि अभी हमारी रहनुमा फातिमा मेहमद साहिबा ने आपको बताया कि हम उन वालदेन से मिले हैं, उनके सरपरस्तों से मिले हैं, लेकिन अगर हम बाई फेज उनसे मिले हैं और बाई फेज जब हम उनसे मिले हैं तो मैं उनके तासुरात क्या बताऊँ, आप उनसे ही पूछ सकते हो जिस माँ का लक्ष्य जिगर उससे जुदा होता है, जिस बाप का कांधा उससे जुदा होता है, ये तासुरात हम बयान नहीं कर सकते। जिसके घर से चिराग घुसता है वही बता सकते हैं कि वो इस वक्त किस आलम में है, लेकिन हमारी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। हम हमारी आला अफवाज हमारी पाक फौज के साना बशाना है, क्योंकि वो हमारी फ्रंट लाइन है, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हमारी पाक फौज और हम आवाम उनके साथ मिलकर उनको जो है दर्दनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे उन तमाम दहशतगर्दों को। और इंशाल्लाह जो खून बहा है, लेकिन नए जब खून बहता है तो जम जाता है, और जब जम जाता है ना तो वो अपना रंग भी बदली कर देता है, और इंशाल्लाह उनके शहीदों के खून ने रंग तब्दील कर दिया है। अब हम अपनी फौज के जाना बचाना उनको अंजाम तक पहुँचाएंगे, मैं वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे हमारी जो ये जदोजहद है जारी रहेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसिल जो कि खालिक जुमा है अब पाकिस्तान बनाने वालों में से है और इंशाल्लाह पाकिस्तान बचाएंगे भी और पाकिस्तान से नासिबा के आलम इस्लाम में दर्शन करने का खास प्रयास करके और हमारे जो कायद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट है सेनेटर नईम खान साहब, मैं उनकी जदोजहद को भी सलाम करूँगा और उनकी हिदायत पर आज हमने यहाँ पर मौजूदगी जो है कराची प्रेस क्लब में ये जो है उनकी याद में हमने यहाँ पर रोशन मेहनत भी हमने रोशन करनी है और हमने दुआएं खैर भी कर दी है। मैं यहाँ पर हाजिर से दरख्वास्त करूँगा कि एक मतलब अपने पास या उसकी मतलब अपने पास जो है वो अभी से पढ़ ले, क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्योंकि मगरिब की अजान होगी तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये अभी से आप पढ़ लें और फिर ये हम उनको प्रतिष्ठा को वापस करें। मैं मतलब स्कॉलर अल्लामा अब्दुल खालिक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्याल का इजहार भी करें और आखिर में जो है वो दुआ भी फरमाएं उन शहीदों के लिए, फलस्तीन के शहीदों के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए, जितने भी हमारे आर्मी हैं।